नमस्कार, आप बिहारी न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। बिहार के शिक्षा मंत्री को क्यों आखिर फिर से केजरीवाल की याद आई है? नए शिक्षा मंत्री ने ये क्यों कहा कि बिहार से टीम दिल्ली जाएगी और दिल्ली में जाकर के रिसर्च करेगी? बिहार के नए नए मंत्री बने सभी मंत्रियों ने अपने काम का जिम्मा उठा लिया है। इनमें से एक हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने बिहार में अभी शिक्षा की स्थिति को उठाने का जिम्मा ले लिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था चिंताजनक है और इसको लेकर के मीडिया कर्मियों से पिछले दिनों बातचीत करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि इस वक्त बिहार का शिक्षा मॉडल अफसोसजनक है, प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को बदलाव की जरूरत है। बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के एक दिन के बाद ही वो एक्शन में नजर आने लगे। तमाम सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षकों की स्थिति को देखा जा रहा है, इसको लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में इस वक्त शिक्षकों की भारी कमी है, इसको लेकर के भी हम इसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बड़ी संख्या में रिक्तियां के साथ साथ मूल्यांकन प्रणाली में भी कमी देखी जा रही है, जिसके कारण राज्य में छात्र पीड़ित हैं। अपने द्वारा दिए गए बयान पर वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस कर रहा हूँ कि राज्य में मौजूदा स्कूल की शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए। इसे पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं आसानी से उन क्षेत्रों का पता लगा सकता हूँ जहाँ भारी बदलाव की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों की गहराई से जांच की जाएगी और फिर लोगों को बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए केजरीवाल मॉडल के साथ साथ चंद्रशेखर और भी कई मॉडल का अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां वो तमाम शिक्षा मॉडल पर विश्लेषण करेंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि प्रदेश में कौन से प्रणाली की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी बिहार के प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक क्लास संचालन दयनीय अवस्था में है, इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। शिक्षकों के लिए भी उन्होंने शुभ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सरकार अब अपना काम बेहतर तरीके से करेगी। शिक्षा की बदहाली को देखते हुए हम कई बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। इसमें जल्द ही सरकारी नौकरी भी मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में भी कई सकारात्मक बदलाव देखने को जल्द ही मिलेंगे। आपको बता दें कि बिहार की शिक्षा प्रणाली में खूब सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ शिक्षकों की योग्यता से ज़्यादा उनकी लापरवाही की बात की जाती है। कई बार बिहार में इसकी वजह से इसकी भद भी पीटती हुई नजर आई। आज के समय में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बिहार में है, वो किसी भी हद तक संतोषजनक नहीं है। किसी भी राज्य के विकास में शिक्षा एक बड़ा योगदान होता है। ऐसे में ये देखना होगा कि नए नए शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर बिहार के इस विभाग को बदलने में कितने ज़्यादा सफल हो पाते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये ऐलान किया है कि जल्द ही उनकी एक टीम दिल्ली जाएगी, वहाँ केजरीवाल मॉडल पर विश्लेषण करेगी और उसके बाद बिहार में शिक्षा नीति को बदल दिया जाएगा। वो बिहार जहाँ आए दिन शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं, क्या वहाँ शिक्षा की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी सवाल है। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मसले पर नए नए शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर कितने ज़्यादा सफल साबित हो पाते हैं। बहरहाल, आप तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बिहारी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।